को हिमाचल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 4 महीने बर्बाद कर दिए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनी हुई सरकार है उसके 4 महीने इसी में बर्बाद हो गए। हम तो फिर 40 हैं, 40 थे, 40 हैं, लेकिन उन्होंने क्या इसमें पाया, वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई ख़तरा नहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को, और सरकार पूरी तरह स्थिर है, स्थायी है, टिकाऊ है। और विपक्ष से हमारा आग्रह है कि वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करें, रचनात्मक विपक्ष करें, जो प्रदेश हित के इश्यूज़ हैं उनको उठाएं और साजिश षड्यंत्र छोड़ दें। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप अव्वल हैं, आपने जो संसदीय क्षेत्र की आज जो हार की जो समीक्षा चल रही है, क्या कारण आप मानते हैं? नहीं देखिए, समीक्षा के लिए केंद्र ने उन राज्यों में जहाँ पार्लियामेंट में हार हुई है उसकी समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ बनाई हैं, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 मेंबर्स हिमाचल आई हैं, उनके साथ अभी चर्चा होनी है, डिस्कशन होनी है और जो भी पहलू रहे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी प्रायोरिटी हिमाचल प्रदेश की सरकार को स्थिर करना था, उस प्रायोरिटी में हमने काम किया और आज हम उतने ही MLAs पे पहुंच गए हैं जितने पे हम थे। बाकी तो जो डिस्कशन होगी जो उसका आउटकम होगा वो हम आपको बताएंगे। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात करें, केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, अब ये जो मैंडेट आया फिर आप 40 पर पहुंचे, क्या संदेश है ये सर, भाजपा को क्या कहें? नहीं अब आप देखें कि अभी तीन सीटों पर इलेक्शन हुआ है, श्रीमती कमलेश ठाकुर जो हैं ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास के मार्जिन से जीती हैं, और वही मार्जिन से हमारे हरदीप बाबा भी जीते हैं। तो दोनों सीटें जो हैं एक बड़े रिस्पेक्टेबल और इम्प्रेसिव मार्जिन से हमने ये सीटें जीती हैं, और यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट्स का इस्तीफे का कोई प्रश्न नहीं बनता था, वो तो उनको बताना चाहिए कि आखिर व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस कि उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन दो सीटों पे तो कांग्रेस के लोग आ गए, तो उन्होंने क्या गेन किया? 42 महीने की MLAship गवाई, और एक हमीरपुर की सीट भी हम नैरोली हारे हैं, और सिर्फ 800 वोट और चाहिए था, अदरवाइज वहाँ भी हमने अच्छी फाइट दी है। तो कांग्रेस पार्टी का जो विधानसभा को लेके बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, पहले 6 इलेक्शन हुए थे उसमें हमने 4 जीते, और अब 3 है उसमें से हमने 2 जीत लिए, तो बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से लोगों ने कांग्रेस पार्टी की जो सरकार की नीतियाँ हैं, कार्यक्रम है, उन पर मोहर लगाई, और हमारी सरकार को स्टेबल किया, सारा ध्यान वहाँ पे केंद्रित था। अब सरकार की जो और चुनौतियाँ हैं, जो फाइनेंशियल फंड हैं, लोगों के ड्यूज हैं, रिजल्ट निकालने हैं, अब हम उस पर केंद्रित करेंगे। हम विपक्ष को एक बार फिर ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमेशा सत्ता की लालसा रखना सही नहीं है, हर समय सत्ता ढूंढते रहना, अगर आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया है तो आप उसकी कदर करें कि भाई जनता ने हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है और कांग्रेस को सत्ता में बैठने के लिए कहा है। कांग्रेस अगर पावर में आई है तो आप अपनी ताकत से, धौंस से, अपने मशीनरी से आप उस सरकार को टॉपल करने की कोशिश करें, इससे बेहतर है। एक आपने एक्सपेरिमेंट किया और ऑपरेशन लोटस पूरी तरह विफल हो गया, ध्वस्त हो गया पूरी तरह ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में, जिस ताकत से ध्वस्त हुआ है उसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को मंथन करना चाहिए जो इस समय बीजेपी को हेड कर रहे हैं, कि आखिर उन्होंने ये क्यों प्लान किया, क्या जल्दबाजी थी, और ये तो बीजेपी का इंटरनल मामला है कि वो देखें। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी, हम विपक्ष से यही कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करें, हिमाचल के इश्यूज की बात करें और सत्ता में आने
कि एक शॉर्टकट से खाब छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं होगा। ठीक है, इलेक्शन से पहले वो आए थे, कुछ दुआ बनाने की कोशिश हुई होगी, लेकिन रिजल्ट्स तो प्रभावित नहीं हुए हैं। हमारे हक में दो सीटें हमने जीती हैं, बाकी तो जो चुनौतियां आएंगी उनको फेस करेंगे एज ए गवर्नमेंट। लेकिन बीजेपी ये सोचे कि अब पहले 40 से उन्होंने तोड़ फोड़ की, अब क्या करेंगे, हम तो फिर उतने ही हैं। हम तो इस पूरे एपिसोड में आप देखें कि छः लोगों की एमएलएशिप चली गई। वो लोग किसके बहकावे में आए, क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र थे, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, ये तो उनको मंथन करना है। हमें तो नहीं देखो वो नेता प्रतिपक्ष हैं और विधानसभा का मसला है, एमएलए को वहाँ से पिन डाउन करना और वहाँ से निकाल के अपने साथ जोड़ना, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है जयराम जी पे जाती है कि उन्होंने 6 एमएलए के एमएलएशिप गवा दी, उन्होंने प्रदेश में 4 महीने अस्थिरता का माहौल किया, उन्होंने जो है साजिश षड्यंत्र रची और वो जो है सरकार बनाना चाहते थे, सरकार नहीं बनी और उनका सारा ऑपरेशन ऑन द मूव गिर गया, ऑपरेशन लोटस विफल हो गया और प्रदेश में 40 की सरकार है। अब मुझे लगता है कि भाजपा को संयम रखना चाहिए और संयम रखते हुए एज ए ऑपोजिशन, एक रचनात्मक ऑपोजिशन करते हुए ऑपोजिशन की भूमिका निभाएं विधानसभा के भीतर और बाहर। ठीक है।